हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन स्टडी की थी। उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ स्टडी किया था। उसके हमने सिर्फ दो स्टेप्स प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, जो कि फर्स्ट वन स्टेप था सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, और सेकेंड स्टेप जो था वो था मॉलिक्यूलर सेंसर यानी डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेप थ्री है और वो है मॉलिक्यूलर कैरियर आर वेक्टर। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि किस तरह से हम क्या करते हैं, अपना जो डिजायर जीन है वो डीएनए से कट करते हैं और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। और वो भी आपने स्टडी किया था कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, और वो किस किस सीक्वेंसेस पे जो है वो क्या करते हैं, डीएनए की कटिंग करते हैं। तो डीएनए की कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि उस डीएनए को हमने पेस्ट करना है किसमें, वेक्टर में, ठीक है। तो आज हमने यही पढ़ना है, हमारा जो स्टेप थ्री है वो मॉलिक्यूलर कैरियर या फिर वेक्टर। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वेक्टर जो है ये एक कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास एक कैरियर है, ठीक है, जो हमारा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है ये उसको क्या करता है, ये उसको होस्ट सेल के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन करता है और मल्टीपल क्लोन जो है वो हमें उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के देता है, ठीक है। तो ये जो कैरियर है, ये जो वेक्टर है, ये बैक्टीरिया का भी हो सकता है और ये वायरस का भी हो सकता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया और वायरस उसके डीएनए में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो डिजायर्ड जीन है उसको क्लोन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया का जो है उसमें एक अपना क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए भी होता है, और उसके साथ उसमें एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। वही प्लाज्मिड डीएनए हम लेते हैं उसी बैक्टीरिया से, ठीक है, उसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए एक कैरियर है, ठीक है। उसी वेक्टर को जो है वहां पे हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो कि एंजाइम है, जो किस लिए यूज होता है, कटिंग के लिए यूज होता है, उसी रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम के थ्रू हमने क्या करना है कि इस वेक्टर को जो है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। फिर जब कटिंग करने के बाद जो हमारा फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन का मतलब है जो हमारा डिजायर जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं, उसी जीन को हमने क्या करना है, इस वेक्टर के साथ हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसकी पेस्टिंग हम किसके थ्रू करेंगे, पेस्टिंग के लिए हमें एक अलग से एंजाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, और वही डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये इस फॉरेन जीन को वेक्टर में क्या करेगा, पेस्ट करेगा, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास डीएनए जो है ये कंबाइन हो चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, होस्ट सेल चाहिए, और होस्ट सेल जो है ये यही बैक्टीरिया है जिसमें हम अब दोबारा से ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको क्या कर देंगे, इसको अंदर जो है वो डाल देंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बैक्टीरिया को क्यों चूज करते हैं, वो इसलिए चूज करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है इसकी रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी से होती है, हर 20 मिनट बाद ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल से हमारे पास दो डॉटर सेल्स बैक्टीरिया के बन चुके हैं और एक जो जीन है हमारा उसके टू क्लोन्स हमारे पास क्या हो चुके हैं, वो बन चुके हैं। इसी तरह से आगे ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता जाएगा और आगे हमारे पास इस जीन की जो है वो मल्टीपल कॉपीज क्या होगी, वो हमें प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे वायरस को भी देख सकते हैं कि वायरस का जो वायरल डीएनए है वो हम लेते हैं,
ठीक है, और उसमें जो है उसको एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं, सही है। और सेम उसी तरह से हम यहाँ पे उसका जो डीएनए है उसमें हम फॉरेन जीन यानी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम क्या करते हैं उसमें पेस्ट करते हैं सेम उसी एंजाइम्स के थ्रू। अब ये जो डीएनए हमारे पास बन चुका है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल जैसे मैच्योर वायरस में क्या होगा, पैक्ड होगा, ठीक है। अब ये वायरस जब होस्ट सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो इसके अंदर ये अपना जो डीएनए है ये उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब उसने डीएनए इंजेक्ट कर दिया है, अब इसकी नंबरिंग जो है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन्फेक्शन जो है वो होस्ट सेल का क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे ये इन्फेक्शन कास करेगा। इसकी रिप्रोडक्शन होगी, वहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, और जैसे ही ये कॉपीज जो है ये ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे तो होस्ट सेल क्या करेगा, उसकी लाइसिस होगी, मीन बर्स्टिंग होगी, और उसकी बर्स्टिंग होगी तो हमारे पास बहुत सारी जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसकी बहुत सारी क्लोन्स जो है उसकी बहुत सारी कॉपीज हमें क्या होंगी, वो हासिल होंगी, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो कैरियर है, और वेक्टर आपने यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी कि वेक्टर हम किसका यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसका वायरस का जो है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसके कुछ फीचर्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये क्लोनिंग वेक्टर में मस्ट होने चाहिए। उसमें फर्स्ट वन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि उसमें ऐसा पार्ट होना चाहिए जहां से उसकी रेप्लिकेशन जो है वो हो सके। सेकंड, उसका साइज जो है ये कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कॉपी नंबर, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो पर सेल में नंबरिंग जो है वो क्लोन्स की वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो होने चाहिए, और क्लोनिंग साइट जो है ये उस पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर जो है वो तो बहुत सारे हैं वेक्टर्स हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो है जो मोस्टली ज्यादातर जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है वो वेक्टर कौन सा है, वो PBR322 वेक्टर है, ठीक है। और भी सारे वेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जैसे PBR326 R327 जो है वो भी है, लेकिन ये वाला जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा यूज होता है, तो इस वजह से हमारे आपके जो कोर्स हैं, ठीक है, उसमें भी सेलेमिस में भी ये वेक्टर जो है ये आपको गिवन है। तो ये वाला वेक्टर जो है ये आर्टिफिशियली डिजाइन प्लाज्मिड है, ठीक है, वेक्टर, या इसको हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, और इसका जो नाम है PBR322, ठीक है। सो पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। बी जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था बॉलीवुड, और आर भी साइंटिस्ट का नाम था रॉड्रिग्स, ठीक है। तो इनकी इन लोगों ने क्या किया था, ये वेक्टर, ये प्लाज्मिड जो था ये बनाया था, तो इस वजह से इसको PBR322 का नाम दिया गया है। 322 जो है ये इसको नंबरिंग जो है ये गिवन है, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट की नेम के बिना पर इसको PBR322 वेक्टर जो है ये नाम दिया गया है। यहाँ पे इसका डायग्राम है इस वेक्टर का, PBR322 वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके फीचर्स में पढ़े हैं आगे कि इस पे जो है वो पहला फीचर क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ORI। यहाँ पे आपको ड्राइंग में दिख रहा है ORI, इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये वेक्टर जो है इस पे ऐसा साइट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए जहां से इसकी रेप्लिकेशन जो है वो हो आगे, ठीक है। जब हम इसको होस्ट सेल के अंदर डाल दें तो वहां पर इस पे ऐसे सीक्वेंस जो है इस डीएनए में वो प्रेजेंट होने चाहिए कि वो क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके। अगर इसमें ये रेप्लिकेशन वाला साइड नहीं होगा तो फिर इसकी रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी, और हमें जो है
वो फर्दर हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल क्लोन्स जो है वो नहीं मिल सकेगी। तो इस वजह से ये फर्स्ट फीचर है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मस्ट होना चाहिए। तो PBR322 वाले वेक्टर में ये पोर्शन हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, साइज की हमने बात की थी कि इसका साइज जो है वेक्टर का साइज वो क्या होना चाहिए, वो भी स्मॉल होना चाहिए। तो इसका साइज हमारे पास कितना है, 4363 BP। BP मीन बेस पेयर्स। ठीक है, कॉपी नंबर की हमने बात की थी, तो ये जो PBR322 वेक्टर है ये पर सेल में हमारे पास 15 से लेकर 100 तक कॉपीज क्या करता है वो बना सकता है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर पे जो हमने बात की थी कि इस पे क्या होना चाहिए, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स का यहाँ पे हमारे पास मतलब ये है कि सेलेक्टेबल मार्कर मीन कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो है वो क्या होने चाहिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है AMP, ठीक है, AMP का मतलब है एम्पिसिलिन और TET का मतलब है टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये हमारे पास क्या है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे आर आर लिखा गया है, तो आर का मतलब है रेजिस्टेंस। इट मीन्स के ये जो वेक्टर है PBR322, इस वेक्टर पे हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है और TET मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है ये भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्यों होने चाहिए, ये एक वेक्टर में इस वजह से होने चाहिए क्योंकि जब हम इसको किस में डालें, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दें, ठीक है, तो इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये प्रेजेंट होने चाहिए ताकि ये वेक्टर जो है, ये DNA जो है ये खराब ना हो, ये कैल ना हो सके। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास जिस प्लाज्मिड में ये जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं या ये जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, या उस DNA को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड DNA। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड DNA आर ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड। और जिस बैक्टीरिया में ये वाले जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है ये प्रेजेंट नहीं होते तो उसको हम कहेंगे अनट्रांसफॉर्म्ड DNA आर अनट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड। सही है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये जो वेक्टर है इस पे क्या प्रेजेंट होने चाहिए, इस पे क्लोनिंग साइट्स जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स का क्या मतलब है कि ऐसे साइट्स, ऐसे रीजन्स जो है इस पे प्रेजेंट होने चाहिए जहाँ पे हम क्या कर सकें, अपने डिजायर्ड जीन को जो है वो इंसर्ट करें और इसकी उसकी हमारे पास क्या बन सके, क्लोनिंग जो है वो हो सके, कॉपी जो है वो क्या हो सके, वो बन सके। तो PBR322 में यहाँ इस डायग्राम में आपको 8 क्लोनिंग साइट्स जो है वो गिवन है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा लेकिन मोस्टली इसमें कितने, 40 से 40 या 40 से अबाउट जो है वो क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं उस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 8 क्लोनिंग साइट्स जो है वो दिखाए गए हैं। क्लियर है। जैसे आपको EcoR1, ये हमारे पास क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, तो अगर हमने वो जीन जो है वो इंसर्ट करना है इस प्लाज्मिड में, सही है, उस सीक्वेंस वाला जिसके लिए ये एंजाइम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, जब वो जीन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो EcoR1 उस जीन के लिहाज से उसी सीक्वेंस पे क्या कर देगा, इस प्लाज्मिड की कटिंग करेगा। ठीक है, और वो जीन जो है वो यहाँ पे आकर फिर क्या हो जाएगा, इधर इस साइट पे जो है वो पेस्ट हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि एक वेक्टर में जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, यानी ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो होना चाहिए। सेकंड जो है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इसमें क्लोनिंग
क्लोनिंग साइट्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स हैं डिफरेंट आपको दिखाई देते हैं, और यहाँ पे इसके लिए ये एंजाइम्स जो है ये प्रेजेंट हैं जो कि डीएनए को डिफरेंट सीक्वेंसेस पे क्या करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, ठीक है, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे कटिंग होगी उसमें, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट, और ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये किस में प्रेजेंट है, ये हमारे पास PBR322 वेक्टर में प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको मोस्टली किस में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टूल है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू या उसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या है कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उसको क्या करता है, उसको जोड़ता है एक दूसरे के साथ, उसकी जो है वो पेस्टिंग करता है, जो पहले लेक्चर में आपने पढ़े थे, ठीक है, कि हम जीन को जो डिजायर जीन है उसको हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं डीएनए से, तो किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, वहां से हम सेपरेशन करते हैं जो मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। फिर जो है आपने पढ़ा कि उसको हम वेक्टर के साथ क्या करते हैं, वेक्टर के साथ हम उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उस पेस्टिंग के लिए जो हमें मॉलिक्यूल चाहिए वो कौन सा है, वो हमारे पास है डीएनए लाइगेज। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, पहले ये कटेड फॉर्म में है, ठीक है, कटेड फॉर्म में इसके हमारे पास क्या है, स्टिकी एंड्स थे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टिकी एंड्स, ठीक है, एक हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है और दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं कि दूसरा डीएनए हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों डीएनए को पेस्ट कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज जो है, ठीक है, ये इन दोनों की पेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, प्लाज्मिड की, सही है, प्लाज्मिड कौन है, वेक्टर है, और दूसरा जो हमें जीन जो है, जो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो येलो से शो किए गए हैं, जबकि ये दूसरा जो है ये प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, तो इनकी हम क्या करते हैं, पेस्टिंग करते हैं किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मिड में हमने क्या किया है, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है, और इससे हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो क्या हो गया है, वो बन गया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से प्लाज्मिड में हम अपना जो डिजायर जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे जो है हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब पेस्टिंग जो है ये हो गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन गया, ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है, एक्सप्रेशन सिस्टम क्या चीज है कि वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो एक्ट करता है एज अ होस्ट, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन सिस्टम यहाँ पे हमारे पास कौन है, होस्ट है, ठीक है, जिसके जिसमें हम क्या कर सकें, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मल्टीपल कॉपीज जो है अपने आप में बना कर दें, तो उस होस्ट को, उस सुटेबल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया को, ठीक है, इसमें अपना भी एक डीएनए है, और यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया हुआ है वो हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। अब ये डीएनए जो है जितनी ज्यादा कॉपीज बनेंगी किसकी, बैक्टीरिया की, तो उसी के साथ हमारी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी भी साथ में बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या हो गई है, वो बन गई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सके, उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या हो सके, वो बन सके। अब मल्टीपल कॉपीज जो है वो बन चुकी है, ठीक है, और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारे पास,
ठीक है, जो वेक्टर है जो हमने यूज किया है, ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा प्लाज्मिड है, ये ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है। अब कुछ यहाँ पे अनट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड जो है डीएनए वो भी प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम जो है वो एक मीडियम लेते हैं, ठीक है, और उस मीडियम में हमने क्या करना है कि वो एंटीबायोटिक्स जो है वो डालने हैं। कौन से एंटीबायोटिक्स? जिसके जीन्स जो है रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हमने वो एंटीबायोटिक्स डालने हैं, ठीक है। तो अब वो प्लाज्मिड जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड होंगे, यानी जिसके अंदर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे, तो वो किल नहीं होंगे, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो वो हमारे पास लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी और वो हमें वो जो डिजायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल क्लोन्स जो है वो बना कर देगा। जबकि जो अनट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है वो डिजीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें जो प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है, जो डिजायर्ड जीन है, वो हमें क्या होगा, वो उसकी ग्रो करेगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी और उसमें से हम अपने प्रोटीन्स जो है, जो प्रोडक्ट है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हमारी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह से हम जीन डीएनए से डिजायर्ड जीन ले सकते हैं, उसको जो है वो हम डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, और उससे हम जो है वो अपना प्रोडक्ट किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू।